आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। जी हाँ, हम एक्सेल की पहले मेनू बार होम मेनू बार को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस ऑनलाइन क्लास में हरकिशन जी, हरकेश जी हैं, कुंदन जी हैं एंड प्रवीण जी हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो कुंदन जी चलिए, प्रवीण जी चलिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। हम बात कर रहे हैं होम मेनू से। जैसे कि हमने बताया था आपको कि मेनू के हिसाब से चलेंगे। इससे पहले तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, कुछ कैलकुलेशन दिए थे, लेकिन हम होम मेनू से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हमारा क्लिप बोर्ड है। तो चलिए हम इस क्लिप बोर्ड वाले क्लासेस को आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है। डेटा है, मैंने यहाँ पर रैन बिटवीन का फॉर्मूला रखा है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे कुछ कहीं भी चेंज करते हो अपने आप को अपडेट कर देता है। ये ओटीपी टाइप का होता है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, या मैं यहां से भी कॉपी कर सकता हूँ या कहीं और पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मतलब कॉपी एंड पेस्ट, जैसा है वैसा आपको पेस्ट कर देता है। लेकिन हमारे पास एक नया टेब है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल इसका यूज आप लोग करते होंगे, ये आपको अलाउ करता है कि आपने जो कॉपी किया है उसका एक कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना। जैसे कि हमने फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर लिया, इसमें देखिए हमारी फॉर्मेटिंग नहीं आई है और भी चीजें नहीं आई है, सिर्फ आया है तो फॉर्मूला। लेकिन इससे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ नेम, पूजा, रोल, इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो यहाँ तो फॉर्मूला है तो क्यों दिया। तो फॉर्मूला का मतलब है कि जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको करेगा, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे डेट। दूसरा है पेस्ट एज ए वैल्यू। तो पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग सारी हटा देती है, जो कंटेन है वो कंटेन को पेस्ट करता है। इसमें देखिए किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं है, जैसे आप नॉर्मल डेटा एंट्री करते हैं ना उसी का यूज होता है। तो फॉर्मूला रिमूव करके कहीं पेस्ट कर सकते हो, या फिर जो एरिया है हमारा जो आपके सामने दिख रहा है, मुझे इसी एरिया को फॉर्मूला रिमूव करना है। मैं चाहता हूं कि इसमें किसी तरह का फॉर्मूला ना रहे, लेकिन मैं इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, हमें इसी के ऊपर फॉर्मूला रिमूव करना है। तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे एंड ओके करेंगे। अब आप देखिए यहां पे आपके सामने सारे फॉर्मूला रिमूव हो गए। लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा बहुत अच्छा यूज होता है हमारे ऑफिस के अंदर में, हमारे रिपोर्ट में कैसे यूज होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। और एग्जांपल देने के लिए चाहिए हमें एक ऑफिशियल रिपोर्ट की फाइल, और रिपोर्ट की फाइल मेरे पास है, मैं इसको अपने ड्राइव से उठाता हूं। मैं यहां से स्क्रीन में मान लीजिए मैं यहां मैं कस्टमर डैशबोर्ड ही उठा लेता हूं। ये आपके सामने कस्टमर सर्विस का डैशबोर्ड है जो कि लिंक है। यहां पे मैं अगर मंथ सेलेक्ट करता हूं तो उसी महीने का डेटा और चार्ट हर एक चीज का चेंज हो जाता है। अब क्या है कि ये रिपोर्ट आपको मुझे भेजना है। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट लिंक टू माय डेटा। अब मुझे इस रिपोर्ट को भेजने के लिए आपको ये डेटा भी भेजना होगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। वरना क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला हमारे इस फाइल के इस डैशबोर्ड शीट जो है यहाँ पे इससे लिंक है। हाँ पंकज मिश्रा जी, तो क्लासेस ज्वाइन कर लिया आपने? आपने व्हाट्सएप चेक किया है? व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है, मेल पे भी है, व्हाट्सएप पे, दोनों पे भेज दिया।
तो अगर मुझे किसी को भेजना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी फाइल नहीं भेजनी है, मुझे पूरा डेटा नहीं भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इस सीट को अलग करेंगे। अब यहां पे एक नई चीज देखिए कि किस तरह से हम सिर्फ डैशबोर्ड को अलग करेंगे। इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, प्रोटेक्ट शीट में मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और मैं चला जाता हूं मूव एंड कॉपी। और इसमें यहां पे न्यू वर्कबुक एंड क्रिएट कॉपी करता हूं और अपने डेटा को अलग कर, रिपोर्ट को अलग कर लेता हूं इस फाइल से, एक अलग फाइल जहां सिर्फ मेरा एक डैशबोर्ड है। अब देखिए यहां पे हमें रिजल्ट दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है और पर्टिकुलर डैशबोर्ड वाली फाइल हमारी है ओपन। तो इसको लिंक करना है, तो यहाँ वन और ए के बीच में, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगहों पर लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा है, सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है, चार्ट भी लिंक है, तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ वन और ए के बीच में यहाँ ऊपर इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू करूंगा। तो इस सीट में अवेलेबल जितने भी हमारे फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो। समझ में आया प्रवीण जी? नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा कोई रिपोर्ट दिखाता हूं, मैं दूसरा डेटा लेता हूं। प्रवीण जी यस सर, इस एग्जांपल समझ में आया आपको? हाँ एब्सोल्युटली सर। इस पे एक और एग्जांपल किसी और फाइल पे दे देता हूं आपको। यस सर। चलिए यह ऑन स्टार एक्सेल डेटा एचआर डैशबोर्ड। नहीं रिपोर्ट नहीं, अब तो नॉर्मल है, पिवट कर दिया। चलिए हमारे पास एक डेटा है जिसका आपको अलग अलग डेटा है और इस डेटा से हमारे पास एक रिपोर्ट बना हुआ है। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि मैंने यहाँ पे रीजन वन को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे रीजन टू को, यहाँ पे प्रोडक्ट टू को सिलेक्ट किया, कस्टमर टाइप हमने सिलेक्ट किए और सेल्स पर्सन जो है हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे फर्स्ट फोरकास्ट है और ऑल कस्टमर, ठीक है, रिपोर्ट बना हुआ है और रिपोर्ट हमारा कनेक्टेड है फॉर दिस डेटा। इसमें डेटा में अलग अलग एंगल दिया गया है क्योंकि अलग अलग सीट से और फाइल से लिंक्ड है और यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। मैं अब इसको करना चाहता हूँ तो मैं फ्रंट सबसे पहले इस सीट को मैं बाहर निकालूंगा ताकि ये अलग एक फाइल पे आ जाए, क्योंकि मैं मेल करने के लिए मुझे चाहिए ना, क्योंकि मैं किसी सीट तो मेल कर नहीं सकता, हमें तो मेल करना है, तो फाइल ही अटैच करेंगे ना, तो पर्टिकुलर सीट तो अटैच होगी नहीं। फिर राइट क्लिक करता हूँ, प्रोटेक्ट सीट पे जाता हूँ, इसमें फिर प्रोटेक्ट कर दिया, यहाँ मूव एंड कॉपी
और यहाँ से न्यू बार को क्रिएट कॉपी, या क्रिएट कॉपी जरूर कीजिएगा। अगर आपने क्रिएट कॉपी नहीं किया तो क्या होगा, फाइल मूव हो जाएगी पूरी, या मूव कर देगा तो आपके ओरिजिनल फाइल से हट जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है सर? यस सर। अब चलिए बैक टू टॉपिक, हम टॉपिक पे आते हैं। तो पेस्ट एज ए वैल्यू का काम होता है उसको रिमूव करना। अब चलिए इसमें और भी पेस्ट स्पेशल में क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। पेस्ट स्पेशल में हम आएंगे और पेस्ट स्पेशल में हमारा यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या करेगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग मतलब इसकी जो कलर है, बॉर्डर है, उन चीजों का फॉर्मेट करेगा। उसी पे अब आता है कमेंट्स। कमेंट क्या होता है, किसी भी हिडन इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं इंसर्ट कमेंट। और ये अपना जो कमेंट है, मैं कमेंट यहाँ डाल देता हूँ कि दिस इज ए फाइनल बॉक्स। अब मैं जैसे इस पर कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे फाइनल दिख रहा है आपको फाइनल बॉक्स। अब मैं इसको कॉपी किया और मुझे मान लीजिए पेस्ट करना है, लेकिन मुझे इसकी और कुछ पेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ पेस्ट करना है इसका कमेंट्स। तो राइट क्लिक करूंगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ कमेंट्स पे क्लिक करूंगा। तो कमेंट पेस्ट होता है। उसके बाद एक चीज और हम बात करते हैं, हमने इसको हमने सिलेक्ट करता हूं मैं यहां से। अब प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बॉर्डर, कभी कभी इसकी बॉर्डर जो होती है, जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग नहीं चाहिए हो। तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं ऑल स्टैक्ड बॉर्डर। यहाँ पे आपका बॉर्डर पेस्ट नहीं होता है। तो ये छोटी चीज है, लेकिन एक चीज और है जिसपे हम बात करना चाहेंगे, ऑटोफिल। जैसे देखिए कॉलम बड़ा है, कॉलम के डिवाइडर पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितना बड़ा साइज है डेटा का उसी हिसाब से आपका कॉलम यहाँ दिखेगा। तो हमने सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया और इस पे डबल क्लिक कर दिया तो मेरे डेटा के साइज के अकॉर्डिंग हमारा कॉलम का फिल्ड हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और किसी भी अलग सीट पे, सेम सीट पे कहीं भी पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम की जो साइज है वो यहां पे पेस्ट नहीं। पंकज मिश्रा जी? यस सर। लेट हो गया आप सर, 45 मेरी क्लास, मिनट लेट हो जाएंगे। एक्चुअली सर मैं दूसरा ऐप डाउनलोड कर लिया था तो मैं दूसरा कर रहा था, अभी जूम गया। अभी मैंने आपको लिंक तो भेजा था ना? यस सर, बट मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैं को मीटिंग कर लिया था। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लिया सेशन को, क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। तो जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट में हमारा कॉलम विड्थ नहीं आता है, तो प्रोसेस इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए जब आप रिपोर्ट्स, जब आपने अभी मेरी रिपोर्ट्स देखे हैं तो इस रिपोर्ट्स में आपने देखा कि किस तरीके से हमने कॉलम की साइज को एडजस्ट कर रखा है, ताकि कॉलम के देखिए आप कुछ कॉलम को छोटा कर रखा है, कुछ को बड़ा कर रखा है, कॉलम के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है ताकि एक एक फ्रंट पे, एक व्यू पे हमारा रिपोर्ट दिखे और हम जब इसको प्रिंट करें तो एक ही पेज पे प्रिंट हो।
लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके किसी और सीट पे पेस्ट किया तो मेरा पूरा सेटिंग बिगड़ गया, मुझे फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में आपको कॉलम विड्थ दिखेगा, कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका सिर्फ कॉलम का साइज पेस्ट हुआ। ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर आपने कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया, सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट होगी, डेटा पेस्ट नहीं होगा। तो डेटा और साइज दोनों पेस्ट करना है तो पहले आप डेटा पेस्ट कर दे, फिर साइज पेस्ट कर, या पहले साइज या डेटा पेस्ट करें, या फिर आपके पास 2016-19 का एक्सेल है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके आपको जो आइकन्स होते हैं पेस्ट स्पेशल में, ये आइकन से भी कर सकते हैं, जैसे पेस्ट फॉर्मूला है, नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, यहाँ आपका आता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, उसमें आपका डेटा भी आएगा और कॉलम का विड्थ भी आएगा, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है सर, अब इस पे मान लीजिए कि मैं अपने डेटा में डेट को भी ऐड कर देता हूं, यहां हमने डेट को भी ऐड कर, और डेट को ऐड करने के बाद जब इसको हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल, तो इसमें हम लोग वैल्यू दे देते हैं ना, तो डेट का वैल्यू देते ही क्या हो जाता है, हमारा इस तरह का नंबर हो जाता है। अब बात समझने वाली यहां पर ये है कि नंबर होता क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। डेट होता क्या है, बेसिकली ये डेट होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। जैसे कि आप एक लिखे मतलब कि एक दिन, मतलब कि 1/1/1900, क्योंकि आपका कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1900 से। तो यहां से एक बात और साफ होती है कि अगर आपके पास कोई डेट इससे पहले की है, जैसे मैंने लिख दिया 12 अगस्त 1895, एक डेट एज ए डेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, तो आप एक लिखते थे 1900, मैंने 32 डाल दिया तो महीना चेंज हो गया, 367 डाल दिया तो ईयर चेंज हो गया, ऐसे मैंने 43678 डाल दिया तो 47678 भी मतलब कि 1 अगस्त 2019। ये नंबर ऑफ डेज होते हैं। अब पहली बात प्रॉब्लम ये है कि ऐसा किया क्यों गया, डेट सिस्टम ऐसा क्यों किया गया, नॉर्मली जो हम लोग वर्ड में लिखते उस तरह से होना चाहिए था, तो ऐसा इसलिए किया गया कैलकुलेशन के लिए। क्या है कि आप एक्सेल में अगर कोई ने आपने नंबर लिखा उसके साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखते हो तो इसमें किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि कल मैंने समझाया था वो नहीं कर सकते आप, है सर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहां बनाया, अब डेट पे हम इजीली किसी भी तरह की नंबर ऐड करना है, यहां पे +20 कर दिया, ये हमारा ऐड हो गया। तो ये डेट में ऐड नहीं हुआ है, ये बेसिकली 43678 में ऐड हुआ है और 43698 में रिजल्ट आया। जब आप पेज स्पेशल करते हैं तो पेज स्पेशल में बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। तो पेस्ट स्पेशल में हम रिमूव ऑल फॉर्मेट मतलब कि डेट जो है वो भी एक तरह का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को तो पेज रिजल्ट वैल्यू करते हैं, तो वापस आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करें, या फिर एक तरीका और है जब आप इसको कॉपी करें पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू को ना करके हम पेस्ट करेंगे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट।
और फिर इसको ओके कर दिया। रिजल्ट आपके सामने, ये जो पेज स्टेटमेंट है वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट करते हैं, तो वैल्यू तो आता ही आता है, लेकिन आपके जो फॉर्मेट सेल होते हैं, फॉर्मेट सेल में जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, ऐड क्लिक करके पेस्ट स्टेशन में, तो इसमें फॉर्मेट सेल में नंबर की फॉर्मेटिंग, नंबर करेंसी डेट टाइम परसेंटेज फ्रैक्शन जो होता है ये फॉर्मेटिंग को रखता है, बाकी किसी भी फॉर्मेटिंग फॉर्मूले को रिमूव कर देता है। तो अमित जी, पंकज जी, हाँ पंकज जी, yes, sir. देने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास 20 है और यहाँ पे 30, अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करता हूँ तो 20 रिप्लेस बाय 30, लेकिन पेस्ट ना करके मैं पेस्ट स्पेशल किया, और पेस्ट स्पेशल में हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमने लिया एड। अब क्या होगा कि जहां से कॉपी होगा और जहां पे पेस्ट होगा उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट आप देखेंगे कि यहां पे 50 होगा, राइट? ऐड नहीं, मैं अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दू तो मल्टीप्लाई हो जाए, जो कैलकुलेशन में सिलेक्ट होगा वही कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब पंकज जी, प्रवीण जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इससे हमें फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, समय फार्मूला नहीं रहेगा, हम डायरेक्टली उस चीज को लिख सकते हैं। प्रवीण जी और पंकज जी, मैं आपको ये रिसर्च देता हूँ, मुझे इसके ज्यादा नहीं दो एग्जांपल दीजिए जिससे आपकी ऑफिस में बेनिफिट होगा और टाइम की सेविंग होगी, क्योंकि मेरी क्लास रिमोट ऑटोमेशन की है तो हमें टाइम सेविंग हम ज्यादा ध्यान देते हैं जी। तो ऐसे एग्जांपल सेट करें, मेरे पास भी एग्जांपल है लेकिन मैं आपकी एग्जांपल जानना चाहूंगा पहले, तो दो एग्जांपल आप रिसर्च करके उसकी स्क्रीनशॉट या उसका डिटेल्स मुझे लिख के मेल कीजिए, ये आपका रिसर्च रहा। और कल हम बात करेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल की। यस सर, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट्स हमारे छुट्टी पर हैं किसी कारण से। ओके सर,